हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो गाइस आई होप सभी की दिवाली खूब धूमधाम से मनी होगी और सभी ने खूब एंजॉय किया होगा खूब मिठाइयां बनाई होंगी बांटी होंगी केक्स भी बनाए होंगे होम बेकर्स ने तो केक सेल भी किए होंगे प्रॉफिट भी अर्न किया होगा मैंने भी किया और इनके सारे डिटेल्स वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुकी हूँ मेरे कैंप में एक दिवाली मेला का आयोजन हुआ था और जहां पर मैंने अपने टी टाइम केक्स दिए थे एक सौ साठ के करीब कब दिए थे और बहुत ही अच्छे से, से सेलिंग हुई सब कुछ वहीं के वही खत्म हो गया और बहुत लोगों को तो सामान मिल भी नहीं पाया तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे केक तो रही गए तो नेक्स्ट डे दिवाली के दिन फ्रेंड्स मैंने ये टी टाइम केक्स फिर बनाए उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना काम था और रेसिपी तो आप जानते ही हैं तो फिर मैंने उनको बना करके सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और ये सब झमेले में बेचारे मेरे बच्चे रह गए उनको मिठाइयाँ खाना और ये सब इधर उधर घूमने फिरने में खूब एंजॉय करने के बाद अब लास्ट दवा दिन मुझसे बोलते कि मम्मा हमने तो केक खाया ही नहीं तो मैंने बोला अब नहीं खाया तो मैंने तो दिया था तो एक्चुअली क्या हुआ टी टाइम केक्स तो मैंने बहुत सारे बनाए कब केक से बनाए बच उनके लिए बचे ही नहीं बट आज मेरे पास नेक्स्ट डे दिवाली के ये दो टी टाइम केक्स बचे थे तो मैंने बोला ये खा लो तो बोले नहीं हमें ये नहीं खाने क्योंकि वो इनको कई बार खा चुके हैं और बोर हो गए तो बोल रहे हैं इनको कुछ ये तो सूखे हैं हमें तो क्रीम क्रीम वाले चाहिए उनको वाली ही चीजें बच्चों को पसंद आती हैं तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मैं इन्हीं से उनको जार केक्स में विद क्रीम बना करके खिलाऊंगी अभी स्कूल गए हुए हैं यहाँ पर तो नेक्स्ट डे स्कूल खुल गया है तो वो लोग गए हैं और मैं अब इन टी टाइम केक से एक जार केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो अगर आपके पास भी इस तरीके से केक बच जाते हैं तो आप इनको थोड़ा सा चेंज करके कन्वर्ट करके उन्हें दे सकते हैं और फ्रेंड्स ये तो अभी चार से पांच दिन और भी रह जाएंगे क्योंकि टी टाइम केक्स की शेल्फ लाइफ अच्छी होती है मैंने इन्हें मार्केट के प्रिमिक्स से बनाया था तो प्रिजर्वेटिव तो होते ही हैं मैं घर के प्रिमिक्स से बनाती हूँ तो उसमें भी सिट्रिक एसिड वगैरह डाल देती हूँ सो देट इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए हाँ दूध से आपको इनका बैटर नहीं बनाना होता है तब फिर ये कम चल पाते हैं तो अभी मैं आपको जार केक्स की रेसिपी सिखाऊंगी इनको यूज करके तो चलिए सीखते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अपना चॉकलेट फ्लेवर वाला टी टाइम केक लिया है और इसकी डिटेल रेसिपी तो आप मेरे चैनल पर देख ही सकते हैं दो दिन पहले ही मैंने पोस्ट किया है और उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है तो मैंने ये जो क्लिंग रैप थी इससे इसको कवर करके सेल किया था तो अभी मैंने वो निकाल दी है और अब इस केक स्पॉन्ज को हम बाहर निकालेंगे तो ये टू फिफ्टी ग्राम्स के मैंने बनाए थे तो अब इसको चाकू से थोड़ा सा मैं स्क्रैच कर रही हूँ सो देट ये इजिली बाहर आ जाए और अब इसे जरा सा हम फ्लिप करके टैप करेंगे तो ये देखिए इजली जो है बाहर आ गया है थोड़ा सा टूट भी गया है बट कोई बात नहीं हमें तो आज इसे तोड़ना ही है तो अब मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स अपने इस ब्रेड वाले नाइफ से जो अगारो ब्रांड का है उससे इसको बीच में से कट कर रही हूँ सो देट मैं इसके जहां तक हो सके कुछ सर्कल के पीस कट कर सकू बट यहाँ पर जो चीज हमारी बॉक्स में टूट गई थी वो वैसे ही निकल गया है और आज हम इनको ना यूज करके जार केक्स बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यूज एंड थ्रो वाले ये जार्स लिए हैं आप ग्लास के भी ले सकते हैं बट ये बहुत सस्ते पड़ते हैं हर जगह मिल जाते हैं तो मैं वही ले रही हूँ और उनका जो सर्कल है ना उसी के साइज का मैंने ये छोटा सा बाउल लिया है और इसकी मदद से मैं जितने केक के सर्कल इसमें से कट कर सकती हूँ ना उतने मैं निकाल लूंगी तो यहाँ पर तीन तो लगभग मुझे लगता है लगी निकल जाएंगे ये देखिए और ये मत सोचिएगा जो बाकी का हमारा टूट फूट बचा है केक का वो वेस्ट है उससे भी मैं आपको जार केक बना के दिखाऊंगी तो बेसिकली तीन जार केक्स आपके इस टी टाइम केक से बन जाएंगे तो अब जो टूटा फूटा है ना हमारा केक उसको मैं एक बाउल में डाल लेती हूँ क्योंकि इसका हमें चूरा करना होगा और उसी से फिर हम अपना नेक्स्ट जार केक बनाएंगे और जितने पीसेस थे उनसे मैंने चार सर्कल बना लिए हैं तो अभी ये देखिए सारा चूरा मैंने रेडी कर लिया है अब एक एक जार लेंगे फ्रेंड्स मेरा ये जो ग्लास है ना ये थोड़े बड़े साइज का है तो अगर आपको छोटा मिलता है तो आप हो सकता है चार भी बना सकें तो अब मैं क्या कर रही हूँ जो सर्कल के पीस हमने कट किए थे ना उनको इनके अंदर फिट कर रही हूँ ये देखिए नाप का हमने काटा था तो ये इजिली फिट हो जाएगा और इन केस फ्रेंड्स आपका टी टाइम बिल्कुल ही टूट जाता है तब आप क्या कर सकते हैं वो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी और अब केक को डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर थोड़ी सी फिलिंग का डेलने के लिए इफेक्ट मैं यहाँ पर जो ये ब्लूबेरी होती है ना उसका थोड़ा सा क्रश इसमें ऐसे ही डायरेक्ट डाल रही हूँ पानी से सोक नहीं कर रही हूँ डायरेक्ट ऐसे ही लगभग वन टी स्पून के करीब आप डाल दीजिएगा ये देखिए मैंने थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है ये देखिए और इसको कुछ स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है खुद ही स्प्रेड हो जाएगा और ऐसे ही दूसरे वाले में भी मैं लगभग एक से डेढ़ टी स्पून डाल देती हूँ ये देखिए अच्छे से इसे शेक कर लीजिएगा अब मेरे पास फ्रेंड्स थोड़ी सी ही चॉकलेट फ्रॉस्टिंग है मेरे पास ज्यादा नहीं है मैंने कपकेक जो बनाए थे ना फ्रेंड्स दिवाली मेले के लिए ये वही फ्रॉस्टिंग बची हुई है एक दिन पुरानी है बट हमारा काम चल जाएगा और स्टार नोजल लगाया मैंने और इसके ऊपर मैं छोटे छोटे फ्लावर्स बना दूंगी पहले हमें आउटर सर्कल में बनाने और फिर बीच में एक बड़ा सर्कल बना देंगे ये देखिए इस तरीके से ऐसे ही मैं दूसरे वाले में भी बना लेती हूँ कहीं गैप लगे तो वहां पे भी आप और भर सकते हैं सो तो देट एक बाहर से लेयर की अच्छी सी लुक आए बट मैं थोड़ा सा खंजूसी से काम कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही क्रीम है बच्चों के लिए ऐसे ही जस्ट बना रही थी फिर सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ सकता है आपके पास भी केक्स वगैरह बच जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना है तो आप इस तरीके से एक नई लुक का केक बना सकते हैं यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में भी मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए हैं पहले बाहर की तरफ और फिर सेंटर में बड़ा सा अंदर की तरफ चलिए एक केक की लेयर हो गई है एक क्रीम की लेयर हो गई है बीच में क्रश हो गया है अब इसके ऊपर फिर से केक की लेयर को रखेंगे तो मेरे पास सर्कल जो थे मैंने उन्हीं के बीच में से कट करके ना चार सर्कल बना लिया चौथा वाला थोड़ा टूट रहा था तो उसके पास में थोड़ा सा केक जो टूटा हुआ ला है ना वही सेट कर देती हूँ बेसिकली हमें एक पूरी लेयर बनानी होती है ये देखिए कितना प्यारा लेयर बन करके आया है और अब इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्रीम से फ्लावर बना देंगे अभी यहाँ पर भी आप चाहें तो क्रश लगा सकते हैं बट बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा केक इसलिए मैंने एक ही लेयर में रखा है और ये देखिए चारों तरफ फ्लावर बना दिया है और बीच में भी छोटे छोटे और फ्लावर बना करके पूरे को ही कवर कर देते हैं ये देखिए और ऐसे ही दूसरे वाले में भी कर लेते हैं तो देखिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें झटपट से तैयार हो जाते हैं और केक से थोड़ा सा अलग फ्लेवर आने से बहुत ही अच्छे लगते हैं ये देखिए दोनों पर मैंने लगा लिए हैं अब मैं थोड़े से चोको चिप्स इनके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है अगर आपका कोई और फ्लेवर है तो आप उससे रिलेटेड कोई स्प्रिंकल्स कुछ भी इसके ऊपर डेकोरेशन लगा सकते हैं और बच्चों को ये ना लगे कि मैंने उनका टाइम पास ऐसे किया है इसीलिए मैंने प्रॉपर सारी चीजें इसमें डाली और देखिए कितने क्यूट से ये जार लग रहे हैं हमारे और अब फ्रेंड्स इनके ऊपर अगर आप इन्हें बनाकर सेल कर रहे हैं या किसी को दे रहे हैं गिफ्ट में तो आप ऐसे क्लिंग रैप से इन्हें कवर कर सकते हैं मैं इसलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैंने उसने ऐसे ही बनाया और ऐसे ही दे दिया तो कवर करके फ्रिज में रखूंगी सो so देट ये थोड़े ठंडे हो जाए और फिर बच्चे इन्हें एंजॉय कर सके तो यहाँ पर जो अब मेरा चूरा था ना फ्रेंड्स केक का बचा हुआ उससे भी मैं एक और बना देती हूँ तो लगभग तीन से चार चम्मच इसके मैं अच्छे से डालूंगी सो देट अच्छी खासी मोटी लेयर बन जाए ये देखिए और प्रेस कर दीजिएगा स्पून से थोड़ा सा सेट कर दीजिएगा सो दैट ये वहीं दब जाए इससे क्या होगा स्पेस नहीं रहेगी तो लेयर बहुत अच्छे से क्लीन नजर आएगी ये देखिए और अब इसके ऊपर भी सेम वैसे ही क्रश डाल देंगे आप कोई भी क्रश डाल सकते हैं फ्रूट का जो आपको पसंद हो और मान लीजिए आपके पास कोई क्रश अवेलेबल ही ना हो आपके पास केवल केक हो तो आप क्या करें जो फ्रूट जैम आता है ना मिक्स फ्लेवर वाला है या कोई भी सिंगल फ्लेवर वाला उसको भी आप चम्मच से फैड करके यहाँ पर डाल सकते हैं उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो ट्राई एक बार जरूर कीजिएगा और अब मैं फिर से इसके ऊपर क्रीम से डेकोरेशन कर रही हूँ फ्लावर बना रही हूँ और इसके लिए फ्रेंड्स आपको कोई स्पेशल नोजल की भी जरूरत नहीं है स्टार नोजल आई होप सभी के पास होता है तो सब इसे आराम से बना सकते हैं और अभी दिवाली के बाद बहुत सारी चीजें हमारी बच गई होंगी तो आप ऐसे उनको डिफरेंट लुक में बना करके ट्राई कर सकते हैं अब क्रीम के फ्लावर बनाने के बाद ऊपर से लास्ट लेयर केक की फिर मैं बना रही हूँ चूरे से ही और स्पून से डाल रही हूँ और उतना ही डालिएगा जितना आपने नीचे डाला था सो दैट लेयर एकदम बराबर की बैठे ये देखिए बट मेरे पास जितना है मैं वो सारा ही डाल रही हूँ अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर डायरेक्ट आप फ्लावर बना देंगे और डाल देंगे ये देखिए तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको भी रैप कर दिया है और मेरे पास एक टी टाइम केक से ये तीन जार केक्स जो हैं रेडी हो गए हैं और इनको अगर आप फ्रेंड्स मान लीजिए सेल कर रहे हैं तो आराम से आप ट्वेंटी रुपीज तक इन्हें दे सकते हैं और मैंने अपने चैनल पर ना बिल्कुल जीरो कॉस्ट में भी इन्हें बनाना सिखाया है ऊपर की जस्ट केक की लेयर से या फिर दो टेबल स्पून को यूज करके तो आप वैसे भी कर सकते हैं बट इसमें हमने कुछ क्वांटिटी ज्यादा रखी है क्रश भी डाला है तो इसको आप बीस रुपए तक दे सकते हैं तो कितने शानदार हमारे जार के रेडी हुए हैं देख सकते हैं आप और मार्केट में फ्रेंड्स एक बार मैं गई थी बिक्री में और जस्ट मैंने उनके रेट्स देखे तो थर्टी थर्टी फाइव के मिल रहे थे और क्वांटिटी भी बहुत कम थी और इस तरीके से आप आराम से झटपट इन्हें रेडी कर सकते हैं तो देखा आपने फ्रेंड्स केक्स को यूज़ करके मैंने ये जार केक्स बनाए और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसमें बेरी की फिलिंग भी डाली है और तीनों के लिए तीन बना दिए हैं ये देख सकते हैं आप और अब मैं फ्रिज में इन्हें रख दूंगी और आ, से इसे भी आप तीन से चार दिन तक स्टोर uh, कर सकते हैं खा सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं चलिए फ्रेंड्स जार केक तो हो गए अब मैं आपको अपने अगारो के एयर फ्रायर के अंदर सॉल्टेड रोस्टेड आलमंड बनाना सिखाती हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने एयर फ्रायर की ये जो स्क्वायर बास्केट है इसमें कुछ बादाम लिए हैं बिल्कुल हाफ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें घी डाला है अच्छे से मिक्स कर लिया है सो दैट घी जो है सभी बादाम के ऊपर थोड़ा सा कोट हो जाए और अब इसको अपने अगारो के एयर फ्रायर के अंदर मैं रखूंगी और इसको कोई प्रीहीट करने की जरूरत नहीं है इसके लिए आप जस्ट इसको इंसर्ट कर दीजिएगा एयर फ्रायर को बंद कर दीजिएगा और स्टार्ट का बटन दबा करके आपको इसमें टेम्परेचर देना होगा तो मैंने वन एट्टी टेम्परेचर दिया है और टाइमर में यहाँ पर केवल दस मिनट दे रही हूं और इसको स्टार्ट कर देंगे दस मिनट के अंदर जब ये अपने आप बंद हो जाएगा तब आप इसे खोल करके इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा और बहुत ही बढ़िया आपके क्रिस्पी एकदम रोस्ट किए हुए आलमंड रेडी हो जाएंगे ये देख सकते हैं आप और अब इसके ऊपर आप हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दीजिएगा और जरा सा इसे शेक कर दीजिएगा तो लीजिए आपके झटपट से रोस्टेड आलमंड रेडी हो जाएंगे तो जब भी आपका मन करे कुछ ऐसे ही खाने का तो आप ये खा सकते हैं काफी हेल्दी होते हैं और रोस्ट करने की वजह से ये काफी क्रिस्पी लगते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक ट्राई जरूर दीजिएगा और अगर आप इस अगारो के एयर फ्रायर को लाना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दिया है तो आई होप आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी तो फटाफट से बिना देरी किए इसे लाइक शेयर कीजिएगा इसी तरीके की और नई नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज नई नई केक की डेकोरेशन देखने के लिए मेरे चैनल पर यू ही आते रहिएगा और चलते हैं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बाय टेक केयर